देखकर मेजर उछल पड़ा, एक्सीलेंट, कमाल की सूझबूझ है आपकी जगतदा। मैं ठहरा फौजी, मोटी बुद्धि का आदमी, आपके निर्णय का स्वागत है। जगत ने नूर की ओर देखा, ठीक है ननूर दी, बिल्कुल ठीक है जगतदा। मेजर गुल हमीद के लिए लड़ाई का यह अजीब तजुर्बा था। ये पहली लड़ाई थी जो जगत की सलाह से और उसी के द्वारा की गई व्यूह रचना के अनुसार लड़ी जा रही थी। इस लड़ाई में किसी प्रकार के संकेत निश्चित नहीं थे। तभी तो ठीक 10:45 पर नदी पार से प्रवीर और नूर की कमांड में मोटा तोपों ने आग उगलनी आरंभ कर दी। उस समय मेजर खुशी मोहम्मद अर्थात खुशिया नींद से संपूर्ण रूप से जागकर स्नान कर चुका था। एकदम धुली हुई वर्दी पहनकर उसने पीना शुरू कर दिया था। ये दैनिक नियम था। अपने दो खास चमचों के साथ वह एक घंटे तक लगातार पीता रहता था और इसके बाद रात का दिन लेने बाहर जवानों के बीच आ जाता था। प्रत्येक रात ही दिन में पकड़े हुए कुछ कैदी होते थे। वह कैदी बंधे हुए होते थे और जहाँ भी वह बंधे हुए होते थे वहाँ उनके निकट लकड़ियाँ एकत्रित करके अलाव सा बना दिया जाता था। इधर डिनर शुरू होता था, उधर लकड़ियों में आग लगा दी जाती थी। इंसान चीखते चिल्लाते आग में तिल तिल जलते थे और चिता की रोशनी में इन दरिंदों का दिन होता था। जैसे मानवीय संवेदना मिट गई थी, इंसान जानवर बन गए थे। आज अभी तो मेजर खुशिया और उसके खास अफसर चमचों में पीना पिलाना ही चल रहा था कि नदी पार की गोलाबारी का एक कैप्टन ने आकर समाचार दिया। ये रंग में भंग था। मेजर खुशिया जानवर की तरह गर्जा, सुन रहा हूँ, दावे के साथ उन लोगों के पास 4 तोपों से अधिक तोपे नहीं हैं। हर जवान मेरे साथ आगे बढ़ेगा, मैं 10 मिनट में उन लोगों को खत्म कर दूंगा। आज का दिन इस फतह के बाद होगा, अभी तोपों को खामोश रहने दो, मैं साथ हूँ। दो ग्रुपों में 1 फरलांग के फासले से नदी पार की जाएगी। चलो, यूं मेजर खुशिया का अनुमान गलत नहीं था। नदी पार तो केवल 3 ही तोपे थी। तो के निशानों से तनिक हटकर उन लोगों ने अंधेरे में नदी पार करनी आरंभ कर दी और पड़ाव में तब कुछ ही प्राणी शेष थे। 2 रोटी बनाने वाले सैनिक, 15 बंदी स्त्रियां और बंधे हुए याकूब मिर्जा और पठान हवलदार, तीर की गति से मुक्ति वाहिनी पड़ाव में प्रविष्ट हुई और नदी पार करती पाकिस्तानी टुकड़ी जैसे 2 पार्टों में फंस गई। मुक्ति वाहिनी के कुछ व्यक्तियों सहित जगत ने पड़ाव पर कब्जा कर लेने की जिम्मेदारी ली और गुलहमीद ने आगे बढ़कर फायर का हुक्म दे दिया। बीच बीच में रोशनी के ग्रेनेड भी फेंके जा रहे थे और इस पाक टुकड़ी को मानो आज सारी बर्बरता का दंड मिल गया। कुल 20 मिनट युद्ध हुआ, सभी पाकिस्तानी समाप्त हो गए, कोई शेष तो नहीं है, ये जानने के लिए गुलहमीद जवानों सहित नदी की ओर बढ़ गए थे। इधर जगत के नेतृत्व में पिछले दस्ते ने स्त्रियों को मुक्त कर दिया था। रोटी बनाने वाले सैनिकों पर राइफलें तान दी गई थी, उन्हें आदेश दिया गया था कि वह अपना काम जारी रखें। याकूब मिर्जा, वह जगत से दृष्टि नहीं मिला सका, ताज्जुब है। जगत ने कहा, इन लोगों ने तुम्हें क्यों बांध रखा था? मैं शर्मिंदा हूँ दादा, मुझे आप ही बचा सकते हैं, मेरी जात से तुम्हें नुकसान नहीं होगा। मिर्जा, वैसे मुक्ति वाहिनी के लोगों को मेरे और तुम्हारे बारे में इंक्वायरी से कुछ पता लगा है, वह सब मैं संभाल लूंगा, लेकिन अब तुम्हें निर्णय कर लेना चाहिए। निर्णय? हाँ, एक जासूस के रूप में तुम्हारा निभाह अब नहीं होगा, चाहो तो भाग सकते हो। विवाह हो गया है क्या? नहीं, नूरजहां के मन में तुम्हारे लिए स्थान है, अब खुद ही अपने बारे में फैसला कर लो। आप मुझे क्षमा कर देंगे न दादा? जगत मुस्कुराया, हाँ। उसी समय बंदी पठान ने, जो मुक्त हो चुका था, आकर जगत को बाहों में उठा लिया। ओ खुश रहो बंगाली मौसाई, तुम बंगाली मौसाई और मैं पठान, दोनों कौमों को गुलाम बनाने वाले नापाकी मुर्दाबाद, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा राजा। बंगाली और पठान जिंदाबाद। उस पाकिस्तानी टुकड़ी पर अप्रत्याशित विजय से जहाँ एक और अच्छी तोपे, गोले, राइफले और अन्य उपकरण हाथ लगे थे, वहाँ अच्छी खासी रसद भी हाथ लगी थी। मुक्ति वाहिनी के सभी सैनिकों सहित गुलहमीद ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह तब तक नशा नहीं करेंगे जब तक कि बांग्लादेश पूर्ण स्वाधीन नहीं हो जाएगा। परंतु आज मेजर गुलहमीद ने शराब के स्टॉक को नष्ट करने का आदेश नहीं दिया। उसने स्वयं जगत को बोतल देते हुए कहा, आप मेहमान हैं न जगतदा, यह आपकी खातिर है, स्टॉक रहने तक खातिर रहेगी भी।
रात भर का अस्थायी पड़ाव वही था, इसलिए कि भोजन का प्रबंध वही हो रहा था और पाकिस्तानियों की लाशों को ठिकाने भी लगाना था। जगत ने शराब की बोतल पा जाने पर विशेष मूड बनाया था। नदी में स्नान करने के बाद वह नदी किनारे ही था। लाशों के लिए कब्रों की व्यवस्था का व्यवस्थापक बनकर उसका खाना लेकर मेजर गुलहमीद स्वयं आया। बड़ी कठिन समस्या है जगत दा, कठिन समस्या। 15 स्त्रियां हैं न, वह मुक्त होने पर खुश नहीं है। उनका कहना है कि उनके परिवार का कोई शेष नहीं है, सतीत्व भंग हुआ है, इसके लिए वह लज्जित हैं। कई के पेट में नापाकियों का गर्भ है, क्या करे बेचारी। नूर और प्रमोद घोष कहाँ हैं? जगत ने पूछा। नूर तो अपनी मेस व्यवस्था में है, प्रमोद सैनिकों के साथ तोपखाना व्यवस्थित करने में लगा है। आओ, कहाँ? प्रमोद और नूर को साथ लेकर उन स्त्रियों को समझाने की चेष्टा करेंगे। प्रमोद घोष अर्थात याकूब मिर्जा युग जगत से क्षमा मांग चुका था और जगत उसे क्षमा भी कर चुका था। फिर भी जब जगत गुलहमीद के साथ उसे लेकर चला तो याकूब मिर्जा मन में घबराया। नूर भी मामला समझ न पाए। वो 15 स्त्रियां, वो सभी एक टेंट के बाहर बैठी थी, उदास और निस्तेज। अभी कुछ देर पहले गुलहमीद उनके पास होकर गया था। वो केवल गुलहमीद को ही पहचानती थी। गुलहमीद को निकट देखकर उनमें से एक उठी, मेरी बात पर विचार किया कमांडर दा। विश्वास कीजिए, हम सब मरने के लिए तैयार हैं। हमारा घृणास्पद जीवन समाप्त हो जाने से आप सिर ऊंचा करके चल सकेंगे। आप कह सकेंगे कि हमारी ऐसी बहनें हमारे बीच नहीं हैं, जो लाज लुटा देने के लिए मजबूर की गई थी। ऐसी आत्मग्लानी, ऐसी पस्ती। नूर उन स्त्रियों से बात करने के लिए आगे बढ़ रही थी कि जगत ने उसे रोका। इन बहनों से हमारे घोष बाबू बातें करेंगे। ओह, याकूब मिर्जा पर घड़ों पानी पड़ गया। आखिर जगत ने उसे अग्नि परीक्षा में डाल ही दिया था। साहस करके याकूब मिर्जा आगे बढ़ा। सुनो बहनों, वह बोला। स्त्रियों के निकट जाकर वह बोला, युद्ध में मृत्यु का कोई मूल्य नहीं होता। युद्ध का दूसरा नाम मृत्यु है, परंतु कामना मृत्यु की नहीं होनी चाहिए। वो स्त्री जो गुलहमीद के निकट खड़ी थी बोली, क्या आप इस लांछित जीवन को जीने के लिए कहते हैं? आपका लांछित जीवन किसने बनाया? किसने आपके सगों को समाप्त किया? उन दरिंदे नापाकियों ने। तो फिर उन दरिंदों को समाप्त करने के लिए अगर आप बहने सैनिक बनने की मांग करें तो बात समझ में भी आए। स्त्री माँ भी होती है, स्त्री वेश्या भी होती है, और स्त्री शत्रुनाशिनी दुर्गा भी होती है। क्यों ना आप शत्रुनाशिनी दुर्गा बने, जिससे विजय प्राप्त हो, जिससे हमारी और बहने जानवरों का शिकार न हो। एक साथ कई स्त्रियां उठकर खड़ी हुई। क्या हम सचमुच कुछ कर सकेंगी? क्या हम सैनिक बन सकेंगी? हमें आपकी आज्ञा पसंद है, परंतु जानवरों का पाप हम पेट में नहीं रखेंगी। सब ठीक हो जाएगा। ये है नूर, नूर जहां। आप इनसे बातें कर लीजिए, सभी कुछ संभव है, पर निराशा छोड़नी होगी। जगत ने याकूब मिर्जा की पीठ थपथपाए। एक घंटे तक स्त्रियों से बातें करने के बाद नूर उन स्त्रियों में पुनः मनोबल जगा सकी। दूर पूरब में सूर्योदय का प्रतीक आकाश लाल हो रहा था। सभी पाक सैनिकों को दफना दिया गया था। दो रोटी बनाने वाले पाक सैनिक गिरफ्तार किए गए थे। अब यहाँ से कूच का हुक्म हुआ था। यकायक याकूब मिर्जा जगत के सामने पड़ गया। जगत दा, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? विश्वास? हाँ, मैं नूर से विवाह करना चाहता हूँ, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सदा मुक्तिवाहिनी में ही रहूँगा। तो यह विवशता हुई? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारे बदलने में नूरजहाँ एक कारण है, परंतु मेरी कोशिश यह है कि दिल से तुम इंसानियत का साथ दो। पराजित सा याकूब मिर्जा बोला, मैं वैसा बनने की पूरी कोशिश करूंगा जगत दा, मैं सहयोग दूंगा। कार्यवाही की रात लंदन बंगाल सारी रात गायब रहा था। अगले दिन वह शाम तक सोता रहा। दूसरी रात वह अपने घर चला गया, लौटकर फिर सो गया। दोपहर में 1 बजे वह तब उठा जबकि जयंत ने जबरदस्ती उसे उठाकर पलंग से खड़ा कर दिया। और सुबह, मिस्टर लंदन बंगाल, उफ क्या मुसीबत है मेरे प्यारे बंगाली भाई, खड़े हो जाओ। यही तो तुम बंगालियों में मुसीबत है, बेवक्त जागते रहते हो और वक्त पर सो जाते हो। बेवक्त सो गए थे तब क्लाइव समेत ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ घुस आई। तुम सदर दरवाजे से क्लाइव की औलादों को निकालने की सोचते रहे और चोर दरवाजे से बाटा और बिरला घुस आए।
अब तुम सदर दरवाजे से बाटा और बिरला को निकालने की सोच रहे हो, उधर चोर दरवाजे से पंडित माउंट से तुंग अपने अर्दली याहिया खां के साथ घुसा आ रहा है। मैं कहता हूँ जागो, सोने का वक्त नहीं है। लंदन बंगाल ने चौंक कर देखा। क्या बात है सर, आज तो बड़े जोश में हैं। नाटक का पहला अंक खत्म हो गया मिस्टर बंगाल, लेकिन धड़ का दूसरे अंक के पहले ही सीन में धड़के का मरीज करोड़पति से घर छोड़ भाई मर जाएगा। अरे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भूत प्रेत का रोल किया जा सकता है। बहरहाल दूसरे अंक में और क्या क्या होगा ये तो पहले अंक का पर्दा गिरने और दूसरे अंक का पर्दा उठने से ही पता लगेगा। अब चलिए हमें थिएटर के स्टेज के लिए कुछ सामान खरीदना होगा। जयंत के अत्यधिक उत्साह का कारण पहले तो लंदन ठीक से नहीं समझ पाया, परंतु बाजार में बातचीत के दौरान उसने बताया कि शीरी ने अपना अधिकांश सामान पैक करके रख लिया है और अब किसी भी क्षण खिसकने की कोशिश में है। सुबह प्रांतीय खुफिया विभाग से सूचना मिली है कि अब कुछ पाकिस्तानी जासूस राजेश को गोली मार देने का कार्यक्रम बना रहे हैं और इस कार्य के लिए वो शीरी को उपयुक्त समझते हैं। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।